लेकिन पानी मिला के नहीं? नहीं 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 मिला सर। सर ला के रखा खाना खा रहा? नहीं वो भी नहीं मिल जाएगा। दारू नहीं, वो दिवाली है ना सर। दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने शादीशुदा होने के बावजूद भी संजय दत्त के साथ नाजायज संबंध बनाए और संजय दत्त ने कई सालों तक उन्हें अपनी रखेल बनाकर भी रखा। इससे पहले अगर आपको भी संजय दत्त अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संजय दत्त उर्फ संजू बाबा ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में है। संजय दत्त एक ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिनकी पॉपुलैरिटी शुरुआत से लेकर आज तक वैसे ही बनी हुई है। ये सब उनके अभिनय और मेहनत की वजह से है। शुरुआत से ही संजय दत्त की जिंदगी बड़े उतार चढ़ाव से भरी रही है लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। लेकिन उनकी छवि बॉलीवुड में एक प्ले बॉय की तरह ही रही है। उनके एक नहीं बल्कि कई अभिनेत्रियों के साथ शारीरिक संबंध रहे हैं लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी रही है जिनके साथ संजय दत्त के काफी नजदीकी संबंध रहे हैं और इनके बारे में जानकार लोगों को पता ही नहीं चल सका। इतना ही नहीं, संजय दत्त ने कई साल तक इस हीरोइन को अपनी रखेल बनाकर रखा और दोनों एक दूसरे से शादी करने पर उतारू थे। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उनका नाम है माधुरी दीक्षित। नाम जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जोड़ी हिट जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। उस दौर में संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जुड़ा था। उस समय संजय दत्त और माधुरी की सदाबहार जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही थी और लोग इस जोड़ी को खूब देखना भी चाह रहे थे। पर्दे पर प्यार करते करते संजय और माधुरी को असल जिंदगी में भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक संजय दत्त और माधुरी दीक्षित फिल्म थानेदार की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान संजय और माधुरी में गहरा प्यार हो गया था और दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। जानकारों के मुताबिक उस समय माधुरी दीक्षित संजय दत्त को इतना चाहती थी कि अगर संजय दत्त को शूटिंग के लिए बाहर जाना होता था तो माधुरी दीक्षित उनसे फोन पर काफी देर तक बातें करती रहती थी। फिल्मी पर्दे पर जैसे जैसे यह जोड़ी हिट होती गई वैसे वैसे इस जोड़ी को ज्यादा फिल्में मिलती गई। यह दोनों और भी ज्यादा करीब आते गए। इन दोनों ने साजन, खलनायक, साहिबा, महानता जैसी फिल्में साथ की। बताया जाता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित शादी भी करने वाले थे लेकिन संजय दत्त की पहले से ही शादी हो चुकी थी और उन्हें एक बेटी भी थी। संजय दत्त की पत्नी रिया को जब संजय दत्त और माधुरी के इरादे पता चले तो रिया ने संजय को छोड़ दिया और वो अमेरिका चली गई। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का मोहब्बत का दौर चल ही रहा था कि संजय दत्त को आर्म एक्ट के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त एक दो नहीं बल्कि 16 महीने जेल में रहे। इसी बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई और बेहद हिट साबित हुई। संजय दत्त जब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब माधुरी ने उनका साथ छोड़ दिया। 16 महीने संजय जेल में रहे लेकिन माधुरी संजय से एक बार भी मिलने नहीं गई और यही वजह इस रिश्ते की दरार बनी। परिवार के दबाव के चलते माधुरी को भी संजय से दूरियां बनाने में भलाई लगी और माधुरी ने संजय से मुंह मोड़ लिया। संजय दत्त जेल से रिहा हुए तब भी माधुरी उनसे नहीं मिली और फिर संजय ने भी माधुरी से नाता तोड़ लिया। इतना ही नहीं बल्कि संजय ने तो माधुरी के साथ फिल्में करना भी छोड़ दिया। जिस फिल्म में माधुरी होती संजय वह फिल्म नहीं करते और इसी तरह बॉलीवुड की इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। अब संजय दत्त ने अपनी सजा भुगत ली है और दोबारा से बॉलीवुड में कदम जमाने की तैयारी कर रहे हैं। संजय अपनी पत्नी मान्यता और अपने परिवार के साथ खुश हैं और माधुरी दीक्षित अपने पति नेने और बच्चों के साथ खुशी से जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में कितनी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए होंगे, 10, 20, 30 या फिर अनगिनत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।